अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम कुकिंग पॉइंट। आज हम आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं शाही बीफ रजाले की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रजाला बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1/4 कप के करीब तेल को गरम कर लिया है। हम इसके अंदर कुछ साबित मसाले डालेंगे, 1/2 टीस्पून सफेद जीरा, 1/2 टीस्पून शाह जीरा। हम इसे हल्का सा चला लेंगे। दो तेज पत्ते डालेंगे, दो दालचीनी के टुकड़े, एक बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 8-10 काली मिर्च, 4-5 लौंग। हम इसे डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए इसे फ्राई करेंगे। हमने इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है ताकि इसका फ्लेवर तेल में आ जाए। हम इसमें प्याज डालेंगे। यहाँ पर हमने एक बड़ी प्याज को इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस इसे सॉफ्ट होने तक हमें फ्राई करना है। हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है। हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे। यहाँ पर हमने 500 ग्राम हड्डी के साथ में गोश्त लिया है। हम गोश्त को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे गोश्त का कलर चेंज हो गया है। हम इसके अंदर कुछ सूखे मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ज्यादा तेज नहीं होती है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। हम सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए हमने इसे 1 मिनट के लिए भून लिया है। हम इसके अंदर 1 कप के करीब पानी डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर 30 से 35 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हम एक मसाला बना लेते हैं। यहाँ पर हमने 100 ग्राम दही ली है। एक मीडियम साइज की प्याज को हमने फ्राई कर लिया था। इसमें हम 4-5 काजू डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। हमारे 35 मिनट हो गए हैं। हम हमारे रिजाले को चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे रिजाले का पानी सूख गया है। हमने इसे बीच में 1 से 2 बार चलाया भी था। हम इसमें 1 कप गरम दूध डालेंगे और इसे अच्छी से मिला लेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी में 1 उबाल आ गया है। हम इसके अंदर दही, प्याज और काजू का पेस्ट डालेंगे जो हमने पीस के रखा था। हम इसे भी डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम इसके अंदर 3 आलू बुखारे डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश भी डाल रहे हैं। आप इसे भी अपने हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 12 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। हमारे रिजाला को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा रिजाला कितनी अच्छी तरह से पक गया है। हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून जावित्री जायफल का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी से मिला लेंगे। हम इसके अंदर 2 हरी मिर्चें डालेंगे, 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डालेंगे और इसे अच्छी से मिला लेंगे। हम इसके ऊपर थोड़ी सी फ्राई प्याज डालेंगे और इसे कवर करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए हमारे 2 मिनट हो गए हैं। हम इसे चेक कर लेते हैं।
बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। हमारा शाही रिजाला बनकर तैयार हो गया है। आप हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। हमारे चैनल पर मटन रिजाले की रेसिपी भी अपलोड है। ये बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करें। देखिए हमारा जबरदस्त सा शाही रिजाला बनकर तैयार हो गया है। आप हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।